हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो को मिला के लगभग दो चार वीडियो और मेरे जो आएंगे, तो उन वो सारे जितने भी वीडियो हैं वो सारे हाइड्रोफोनिक के ऊपर होंगे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जो है छोटा सा एक हाइड्रोफोनिक सिस्टम लगाने वाला हूं, जिसका पूरा ए टू जेड जो भी जानकारी होगी, जो भी रिजल्ट निकलेगा, वो सारा का सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो हाइड्रोफोनिक सिस्टम होता है, तो उसको लगाने के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो कि वो होती है सीडलिंग, कि हमारी सीडलिंग जो है हमें किस तरह से तैयार करनी है। तो उसके लिए देखिए, जो वेस्टेज होता है हमारे घर में पड़ा है, बहुत सा सामान होता है। तो ये देखिए, कुछ मेरे यहाँ फोम के ये टुकड़े पड़े हुए थे, तो ये हाइड्रोफोनिक के जो सीडलिंग होती है उसको जर्मिनेट करने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल होता है। इसमें आप जो सीड जो होते हैं उनको आराम से दबा के रख सकते हैं, और उनमें पानी जो है पानी छिड़क दीजिए, या किसी ऐसे बर्तन में रख दीजिए कि जिसमें पानी थोड़ा सा भरा रहे, और ये सीड जो है इसी में जर्मिनेट हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप जो नेट कप होते हैं उनमें कोकोपीट को भर लीजिए, और उस कोकोपीट में ही डायरेक्ट सीडलिंग जो आपके सीड होते हैं उनको रख दीजिए, तो वो उसी में जर्मिनेट हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ये प्रोसेस ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसी को मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो ये देखिए, फोम के जो है छोटे छोटे टुकड़े मैं काटे ले रहा हूँ, और चलिए जितने भी पीसेस हैं सारे पीसेस को मैं काट लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस क्या है। जितने भी पीसेस थे सारे पीसेस को हमने काट लिया है, और इसमें सीड के लिए मैंने तीन तरह के सीड लिए हुए हैं। एक तो ये मटर का है, दूसरा मेथी है, और तीसरा पालक है। लेकिन जो मटर के सीड थे मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे, और एक कपड़े में बांध के रख दिए थे, जिससे देखिए इनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। तो इनको जर्मिनेट होने में अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से देखिए, एक एक सीड को मैं फोम के जो टुकड़े हैं इनमें इस तरीके से रख दूंगा। आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जो इनकी जो जड़ है उसको आपको नीचे की तरफ रखना है, जिससे कि ये जब ये जड़ की बढ़ेगी तो नीचे की तरफ निकल जाएगी, और इसका जो सूट है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से आराम से रख दीजिए, ज़्यादा आपको दबाना नहीं है, नहीं तो आपका सीड जो है डैमेज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रख दीजिए। तो जितने भी सीड्स हैं, देखिए मैं सारे सीड्स को इसी तरह से दबा के रख दूंगा, और दबाने के बाद इनको मैं एक बर्तन में रखूंगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये सारे सीड्स में जितने भी ये मेरे पास फोम के टुकड़े हैं, सारे फोम के टुकड़े में एक एक सीड रख देता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। और लीजिए, हमारा ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है हमें एक पॉट लेने की, जिस पॉट में हम ये सारे फोम के टुकड़े जिनमें हमने सीड को दबा दिया है इनको रखना है। तो पॉट के लिए हम क्या लेंगे, मेरे पास एक चीनी मिट्टी का पॉट पड़ा हुआ है खाली, जैसा कि ये देखिए आपको दिख रहा है। तो इसी पॉट में मैं सारे जितने ये फोम के टुकड़े हैं रख दूंगा एक एक करके आराम से, और इसी में पानी भर दूंगा। और पानी भरने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह का रिजल्ट मिलता है। तो चलिए फिर देखते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा सिस्टम बना के दिखाऊंगा, जो कि हमारा हाइड्रोफोनिक सिस्टम होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ जब मेरा सिस्टम तैयार हो तो मेरी सीडलिंग भी लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो, जिसको मैं अपने जब सेटअप मेरा तैयार हो जाए तो बिल्कुल मैं उसको तुरंत ही उसमें लगा सकूँ। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले अपने हाइड्रोफोनिक सिस्टम के साथ।